क्या पूरी भारत में फिर होगा लॉकडाउन? अभी जिस टाइम ये वीडियो देख रहे हो, सकता है बहुत सारे स्टेट में लॉकडाउन लगा हुआ हो। खैर वैक्सीन आ गया तो अब लॉकडाउन का क्या जरूरत है? अगर आप भी ये सब सवाल सोच रहे हो तो वीडियो पूरा देखो। पहले बात करते हैं वैक्सीन की। और अगर आप सोच रहे हो कि आपको वैक्सीन लेने के बाद कोरोना नहीं होगा, तो कुछ हद तक सही है, क्योंकि वैक्सीन की वजह से कुछ टाइम तक आपके बॉडी में इम्यूनिटी रहेगा। बट उसके बाद अगर आप कोई इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आते हो तो आपको जरूर हो जाएगा कोरोना। और हम बहुत सारे ऐसे केसेस देखा गया जहां वैक्सीन लेने के बाद भी एक महीने के बाद उस लोगों को कोरोना हुआ। इंडिया में हर दिन लाखों लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है, लेकिन अब सोचो इंडिया पे 130 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, और इन सबको वैक्सीनेट करने तो कितना टाइम चला जाएगा? और इस वैक्सीन के बाद भी कोरोना होता है तो वैक्सीन लेके क्या फायदा है? अगर आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं करते हो तो अभी हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज की, और वो है माइंडसेट इंडियन लोगों के। कुछ लोग तो अभी तक कोरोना को विश्वास ही नहीं करता। लोगों की माने तो कोरोना फेक है, ये सरकार का नया साल है, मतलब राजनीति है। खैर सॉरी इन लोगों को। आपको बताएं साउथ कोरिया में क्या हुआ। वहाँ जब 30 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट को आइडेंटिफाई किया गया, और 31 बार जो था उसे आइडेंटिफाई करने के बाद ही वो 1200 लोगों पे अपना कोरोना वायरस शेयर कर सका था। मतलब आप समझ सकते हो, एक आदमी ने 1200 लोगों को कोरोना दे दिया। और हमारे इंडिया दिल्ली नोएडा के जैसे जगह छोड़कर बहुत सारी ऐसी स्टेट है जहाँ कोरोना बहुत कम है, मतलब एकदम ही कम है। और यही कारण है कि हम लापरवाही कर रहे थे कोरोना से। आजकल तो कोई मास्क ही नहीं पहनता, और यही कारण है हम सोशल डिस्टेंस को मेंटेन ही नहीं करते, जो हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि कोरोना का पेशेंट लगातार इंक्रीज हो रहा है पूरी इंडिया में। अब तक कोरोना का जो हाईएस्ट रिकॉर्ड था केसेस का, वो था 96,000, मतलब 1,00,000 भी नहीं। लेकिन हाल ही में ये नया केसेस लगभग 1,50,000 हो चुका है, और अभी जो आप इस वीडियो को देख रहे हो सकता है 2,00,000 चला गया हो उसके पास या उससे ज्यादा। ये आप समझ ही सकते हो, ना वैक्सीन से हम पूरी तरह से कोरोना से बच सकते हैं, ना हम सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। फिर अभी लॉकडाउन नहीं दिया जाए तो हमारे इंडिया का हालत बहुत ज्यादा बुरा हो जाएगा। और सरकार भी लगातार मीटिंग कर रहा है लॉकडाउन के बारे में। हम सब चाहते हैं कि लॉकडाउन ना हो, क्योंकि लॉकडाउन होने से सबसे ज्यादा नुकसान गरीब लोगों को ही होता है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो जरूर लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलिए। थैंक यू। ऐसी वीडियो इस चैनल पे आपको मिलते रहेगी, इसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।